गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा विषय हिंदी कक्षा 3 और पाठ 19। हिंदी में पहले बोल दिया, अब मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू रीड सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 3 एंड लेसन नंबर 19 लेसन 19। हमें हिंदी बोलना आना चाहिए, हम हिंदी पढ़ते हैं ना, एक सब्जेक्ट है हमारा, इसीलिए मैंने पहले हिंदी में बोला। हमने जब लास्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने 18 तक का लेसन कंप्लीट किया था। 18वां लेसन हमारा था प्रार्थना, 18वां लास्ट लेसन हमारा था प्रार्थना। और इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो प्रेयर है, जो ये प्रार्थना है, वो आप सबको मुंह से मुंह जवानी बोलनी आनी चाहिए, उसको लर्न कर लेना है। तो हिंदी में उसको मुंह जवानी बोलना बोलते हैं, ठीक है। तो मुंह जवान से आपको वो लर्न हो जानी चाहिए, आपको बुक की जरूरत ना पड़े और आपको प्रेयर हाथ जोड़ के बोल सको। आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको, वो आपका पाठ है, और वो पाठ नहीं, वो एक कविता है। तोता, तोता मीन्स द पैरट। सॉरी, हरे रंग का तोता हूँ, पहाड़ों पर मैं रहता हूँ, सारे फल मैं खाता हूँ, किसी के हाथ ना आता हूँ। हरे रंग का तोता हूँ, पेड़ों पर भी रहता हूँ, डाली पर मैं झूल झूल कर सबका मन बहलाता हूँ। यहाँ पे एक जो तोता होता है, जो पैरोट है, उसका चित्र है और उसके विषय में बताया गया है। किसके ये पक्षी है जो तोता, उसके विषय में बताया गया है और वो बोल रहा है मैं हरे रंग का तोता हूँ। मतलब तोता का कलर कौन सा होता है? हरा। और वो कहाँ पर रहता है? वो ऐसे तो घरों में भी लोग पालते हैं, पिंजरे में भी रखते हैं, और लेकिन उसकी ज्यादा जो पसंदीदा जगह है ना, वो पहाड़ है। सारे फल में खाता, वो सभी फलों को खाता है, और उसको आप पकड़ने जाओगे ना तो जल्दी से किसी के हाथ नहीं आता। फिर हरे रंग का तोता हूँ, पेड़ों पर भी रहता हूँ, वो पेड़ पर भी रहता है, वो डिफाइन करता है भाई मैं पेड़ पर भी रहता हूँ, डाली पर मैं झूल झूल कर सबका मन बहलाता हूँ। आप कभी भी पेड़ों की तरफ देखें और अगर आपको कोई तोता डाली पे बैठा हो, डाली में हिल रही हो, आपको बहुत अच्छा लगता है वो देखना, बहुत, आपको नहीं सभी को, बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी। तो वो बता रहा है डाली पर मैं झूल झूल कर सबका मन बहलाता हूँ। जैसे ही मतलब वो डाली पे बैठा हुआ आपको कोई भी देखता है तो वो वहाँ पे एक तरह से टकटकी लगा के वो सीन कोई मिस नहीं करता, सभी देखते हैं। तो इस तरह से तोता की जो पोयम थी, जो कविता थी, वो मैंने आपको बता दी स्टूडेंट्स। अब मैं इसकी एक्सरसाइज करवा देती हूँ। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। टिक का निशान जो सही आंसर है उस पर लगाना है। तो यहाँ पे लिखा है तोता कैसा है? हरा, लाल, रंग बिरंगा। तोता कैसा है? हरा, लाल, रंग बिरंगा। तो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे हरा पे। हरा आपका आंसर क्या हो गया? वन नंबर में हरा। दूसरा है तोता क्या खाता है? क्या खाता है? फल, चावल, सब्जी। तो आप किस पे लगाएंगे? फल पे। ओके, तीसरा क्वेश्चन है आपका, तोता कहाँ झूलता है? कहाँ झूलता है तोता? पेड़ पर, डाली पर के झूले पर। तो अब आप किस पे लगाएंगे? पेड़ पर, डाली पर या झूले पर? तो आप यहाँ पे लगाएंगे टिक जो है वो है पेड़ों की डाली पर, तो जो तोता है वो झूलता है। हमने ऐसा पोयम में भी देखा है, हमें ये बात पता भी है। तो तोता कहाँ झूलता है? पेड़ पर, डाली पर या झूले पर? तो हम लिखेंगे डाली पर। मतलब लिखना नहीं है आपको, टिक लगाना है। आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स।
अंडरलाइन करना है। जैसे प लिखा है तो हमने प को कर दिया पूरी लाइन में, प जहां जहां है मार्क कर दिया। फिर यहाँ ल है तो जहां जहां हमें ल दिख रहा है मार्क कर दिया, प है तो क पे, और लास्ट में भ है तो भ पे हमने अंडरलाइन कर दिया। इस तरह से आपको ये पूरी एक्सरसाइज कर देनी है स्टूडेंट्स। और अब मैं आपको लेसन 20 मोर, तो मैं यहीं से लिख देती हूँ L19 एंड L20 पार्ट 19 और 20, पार्ट 19 और 20 दोनों। यहाँ ऑब्लिक का साइन ना लगाते हुए मैं कॉमा लगा देती हूँ, दैट इज मच बेटर। ओके, तो अब हमारा हो गया लेसन 19, लेसन 19 एंड लेसन 20 पार्ट 19 और पार्ट 20। और जो हमारा पार्ट 20 है वो पूरा का पूरा बहुत ही प्यारा है। एक वर्ड था हमने पढ़ लिया तोता, और दूसरा वर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मोर। दूसरे पक्षी के विषय में पढ़ रहे हैं ना, तो मोर द पिकॉक। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर सबसे सुंदर पक्षी है, मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं, मोर के सिर पर कलगी होती है, मोर बादलों को देखकर खुश होता है। वापस से पढ़ती हूँ, मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ओके, और वो सबसे सुंदर है, मोर सबसे सुंदर पक्षी है। सभी को मतलब पता है कि सबसे प्यारा सुंदर पक्षी कौन सा है? मोर है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं, कलरिंग, अलग अलग कलर के मोर के जो पंख होते हैं वो होते हैं अलग अलग रंगों के। मोर के सिर पर कलगी होती है, आप सभी ने देखी होगी कि मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर बादलों को देखकर खुश होता है, मोर खुश होने पर नाचता है, और मोर पंख फैलाकर कला दिखाता है, पूरा पूरा पंख फैला लेता है, गोल बन जाता है पूरा का पूरा, और फिर और जो वो नाचता है कहते हैं ना कला दिखाना, राइट। मोर पीहू पीहू आवाज करता है, मोर सब लोगों को प्रिय लगता है, मोर सबको क्या बहुत ही प्यारा लगता है। मोर का शरीर कैसा होता है? भारी। मोर का शरीर भारी होता है, मोर बहुत ऊंचे तक उड़ नहीं सकता, मोर ज्यादा हाइट पे नहीं जा सकता क्योंकि वो उसका बॉडी हैवी होता है ना, तो वो ज्यादा ऊपर तक नहीं उड़ सकता। अब हम उसको आगे देखते हैं तो उसकी एक्सरसाइज है। मोर के विषय में तो आपको सभी को पता चल गया कि बहुत उसकी हैवी बॉडी होती है, इसलिए वो उड़ नहीं सकता है, और वो बहुत पंख फैलाकर अपनी कला दिखाता है, और जब वो खुश हो जाता है तो वो नाचने लगता है, बादलों को देख के ही वो खुश होता है, सबको बहुत प्यारा लगता है। और सबसे मेन बात, वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब हमारा जो एक्सरसाइज है, जो हमारा स्वर्ग है, वो नंबर एक, कोष्टक से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे हमें ब्रैकेट में आंसर्स दिए हुए हैं। नंबर वन है मोर भारत का, तो यहाँ पे प्रादेशिक की राष्ट्रीय है, तो हमने लिखा है राष्ट्रीय पक्षी है। वन नंबर की जो आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें आपको लिखना भी है राष्ट्रीय। इसको प्रॉपर लिखना है स्टूडेंट्स, ये जो मात्रा आ रही है नीचे ये पढ़ी जाएगी र की, राष्ट्रीय, और ये श है ना वो हाफ बनेगा, षटकोण वाला सा आधा बनाएंगे और टॉप इसको ज्वाइन करता है। ओके, तो मोर भारत का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। अब लिखा है मोर के सिर पर क्या होती है? कलगी की पगड़ी, तो आप लिखेंगे कलगी। जो हमारा नंबर दो है वो हो जाएगा क ल, और ग है ना उसमें बड़ी कीमत, ठीक है। अब आया मोर के पंख कैसे होते हैं, तो रंग बिरंगे। तीसरे नंबर की खाली जगह में हम र के ऊपर एक पॉइंट लगा रहे हैं, बिंदु, वो पड़ा जाएगा रंग, और ब में छोटी की मात्रा। मैं बीच बीच में आपको मात्राओं के बारे में भी बताती रहती हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाए, हमेशा नहीं लेकिन बताना जरूरी है। र में पॉइंट लग रहा है और रंग, ब में छोटी की मात्रा, बी और रंगे, तो ऊपर वापस से र के ऊपर पॉइंट लगेगा, ग रंग बिरंगे, ग के ऊपर एक ही मात्रा। ओके, नाउ
चौथे नंबर की जो हमारी खाली जगह है, मोर किसको देखकर खुश होता है? पर्वतों को कि बादलों को? तो यहाँ आएगा बादलों, ब में आ की मात्रा बा, द ल में ओ की मात्रा और पॉइंट। ओके बादलों, जस्ट यू राइट इट।
बाय।